सारिम, तुमने तो अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन तुम जानते हो ना कि वो एक बेवा है और एक बच्चे की माँ। तुम्हें बेवा होने का जुर्म तो नहीं है? और जब मैं रूमी को खुले दिल से अपनाने के लिए तैयार हूँ तो उसका बेटा भी तो उसी का हिस्सा है ना? सारिम, तुम्हारे लिए सब कुछ कहना बहुत आसान है, लेकिन रूमी के लिए बहुत मुश्किल होगी। तुम जानते हो जिस माशरे में हम लोग रहते हैं वहाँ पर मर्द का दूसरी शादी करना बहुत आराम से कबूल कर लिया जाता है, लेकिन अगर औरत दूसरी शादी के बारे में सोचे तो उसकी किरदार कशी की जाती है, उस पर जिंदगी तंग कर दी जाती है। I completely understand जो आप कह रही हैं और आप बिल्कुल ठीक भी कह रही हैं, लेकिन हमें सिर्फ लोगों की बातें मनाने के डर से तो मैं अपनी मोहब्बत को कुर्बान नहीं करूंगा ना, अपनी मोहब्बत को दांव पर नहीं लगाऊंगा। रूमी मान जाएगी क्या? कोशिश करूंगा उसे मनाने की अम्मी, मैं जितनी उसे मोहब्बत करता हूँ ना उसे कहीं ज्यादा इज्जत से उसे अपनी जिंदगी में शामिल करूंगा। रेली होगा हमेशा की तरह मेरा वैसे ही साथ देंगे जैसे देती आई है। सारिम, आज तुम्हें इतना मुतमईन और इतना डिफरेंट देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इनफैक्ट बहुत खुशी हो रही है मुझे। ठीक है, फिर जब तुम कहोगे बात करने चलेंगे। थैंक यू। नहीं, ये लड़का कब सुनेगा? अयान, अयान चलो अंदर आओ। बोलो। मैंने शायद आपको कुछ ज्यादा ही कह दिया। मैं आपसे छोटी हूं, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी। वाह भाई, ये भी ठीक है, जब दिल में आया जो जी में आया बोल दिया और बाद में माजरत कर ली। भाभी, मैं आपको कोई ताना नहीं दे रही थी, सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि किसी के साथ भी हो सकता है, शायद शायद मेरा अंदाज सख्त था। और अम्मी को तो देखो, कितनी अजीब बात है ना कि उनको तुम्हारी कही हुई कोई बात बुरी नहीं लगती, लेकिन मेरी कही हुई बात हर चीज उनको नजर आती है और मैं ही बुरा करती हूँ इस घर में सिर्फ। शांजे, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, एक ही बहू हो तुम मेरी, मगर पता नहीं दिल में क्या बैर पाल के बैठी हुई हो मेरे लिए। मेरे दिल में कोई बैर नहीं है, मसला सिर्फ इतना है कि आप हमेशा मुझे ही गलत समझती हैं। अच्छा छोड़े ना भाभी, छोटी बहन समझकर माफ कर दे। ठीक है, तुम्हें एहसास हो गया, यही बड़ी बात है। आप मेरे लिए बहुत काबिल इज्जत हैं भाभी, मैंने आपके लिए कभी बुरा नहीं चाहा। जानती हूँ। अयान, अयान चलो अंदर पढ़ने। अजीब लड़की है ये, कभी बड़ी नहीं होगी, अभी भी इसको मुझसे ही गिला है।